राधे कैसे लग रही मेरी बाल? अपनी बहन के कपड़े चोरते हुए भाई कुछ भी कर ले, बढ़िया लग रहा है। कुछ आया तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करती मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं और क्यों बंधन के तैयार, मैं अपना लुक दिखाती हूँ। बाद घर आई तो शीशा भी मिल गया मुझे दिखाने के लिए, ये रहा। मतलब मैं तैयार हो गई हूँ, बस मैंने बाल बनाने बाकी हैं क्योंकि गीले हैं, इसलिए मैंने बाल देने थे। बाकी हो गई हूँ मैं तैयार, बस शूज़ पहनने बाकी हैं। और आज हम जा रहे हैं नैनीताल, कुछ काम है इसलिए। मेरे को ऐसा लग रहा है रिपीटेशन में चल रहे मेरे ब्लॉग, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। हम घर आए थे, उसका नैनीताल गए थे, आज भी यही है, नैनीताल जा रहे हैं, तो वहाँ का आज का पूरा ब्लॉग उसी पे होगा। चलो चलते हैं, निकलते हैं सीधा नैनीताल के लिए। और मम्मी मेरे लिए अब यहाँ से निकालिए जैकेट, अपनी बहन के कपड़े चोरते हुए। मैं नहीं चोरी, मम्मी दे रही है मुझे। और मैंने बनाए हैं आज ये बाल, ये देखो। और मैं पूरी चुटिया वुटिया बना के बिल्कुल जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पूरे बाल खराब हो जाते हैं। ये और मैं जा रहे हैं साथ में। कैसे लग रही मेरी बाल? ऐसा लग रहा है एकदम भारी हो गया मेरा सर, लेकिन ठीक है ये। और हेलमेट पहनने के लिए भी ठीक रहता है। शूज़ पहन लीजिए तब तक का, फिर मैं लेट हो रहा हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है तो बाकी सामान तो हमने सब रख लिया है, बस वो पकड़ूंगी, रेनकोट पकड़ूंगी और चलते बनूंगी। मेरे शूज़ कहाँ हैं यार? हमारे जो एवरग्रीन शूज़ है उनको पहन लेते हैं। मम्मी बाय। हेलमेट पकड़ा, ये कभी पहचानता मुझे कभी नहीं पहचानता है। चीकू वहाँ पे खड़ा है। बाय बाय। ये तो जा रहे यार। हमें रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ हो चुकी है बारिश। ये देखो मौसम कितना तगड़ा हो रखा। रेनकोट पहन, फालतू नहीं ठीक है। रेनकोट पहनते हैं। मैं भी पहनती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। बारिश होने लगी है काफी काफी, तो नहीं मतलब भीग जाएंगी। आखिरकार पहुंच ही गए हम नैनीताल। राहुल चला गया आगे क्योंकि स्कूटी चढ़ती नहीं ऐसे रास्ते में, तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ती मैं अगर बैठ जाती तो। पासपोर्ट का काम है तो पासपोर्ट ऑफिस वो आगे पे है। अभी पहुंच गया जो मुझे अकेले छोड़ के आ गया था नीचे। यहाँ पहुंच गए, यहाँ कोई भी नहीं है। इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे, कहीं पूरा एस्थेटिक लग रहा और इसकी शक्ल बिल्कुल अनएस्थेटिक लग रही है। अभी कोई आया नहीं है और हमारी हालत ऐसी बेहाल हो चुकी है। 2 बजे शायद ऑफिस खुलेगा क्योंकि अभी बंद है। ये देखो इसको कैसे झांक रहा है, कोई पकड़ के मारेंगे तुझे। हमारा काम तब होगा जब ये खुलेगा भाई। इतनी बुरी हालत हो गई ना, हम भीग के आए बताए। वो तो अच्छा था कि रेनकोट से हम भीगी नहीं है, तो भीग गया इसका नीचे पूरा जींस भीग गया है। अब मैं यहाँ पे लूंगी फोटो क्योंकि अब इतना प्यारा लग रहा है ना। टाइम पास तो हमें करना ही है, आधा घंटा पूरा है, तो इससे अच्छा तो फोटो वगैरह ले लेंगे, वीडियो वगैरह ले लेंगे। अगर ये बंद होगा ना तो इसका अरे यार पूछ ले, किसी से पूछना पड़ेगा फिर किसी से। तब फोटो तो ले लेते हैं, कुछ आया तो कुछ तो मिलना चाहिए ना हमें। हो गई बढ़िया बारिश और हमारा जो काम था वो भी नहीं हुआ। कैसा लग रहा है आपको? सॉरी यार, पर से बारिश भी हो रही है, अब जा भी नहीं सकते हैं। तूने जितने पाप किए ना बेटे, उसी को से तेरा काम लुटता है। कभी दूसरे का कुछ खाओ, कभी कुछ करो, तेरा बिल्कुल भगवान वाली आत्मा होती है ना तेरी, तो तुरंत काम होता है। अच्छा, अब हमें 1 महीने का वापस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। यही स्पेलिंग की वजह से काम रुक गया है। काम तो हो नहीं पाया, तो हम यहाँ के नज़ारों का आनंद उठाते हुए अब जा रहे हैं वापस। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने रुकाया ताकि मैं यहाँ पे फोटोज खींच सकूं। यार एक वीडियो है, वीडियो भाई कुछ भी कर ले, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। उसका टायर हो गया पंचर, अब पैदल जा। अचानक से भी गाड़ी ऐसी रपटी टाइप का हुआ और हमारा पंचर हो गया टायर। सही कराना पड़ेगा। वो बनाने के लिए चला गया, मैं तो बैठ नहीं सकती थी तो मैं यहीं पे वेट करूंगी, वो आ जाएगा बना के, उसके आ जाऊंगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के नज़ारे कितना सुंदर है करके। भाई बारिश के बाद तो और सुंदर लग रहा है, पूरा का पूरा रास्ता ना इतना चमक रहा है। अरे धुल दिया होगा जैसे किसी ने। नज़ारे दिखा देती हूँ, मैं भी बोर नहीं होंगी, आप भी नहीं होंगे। Look at this. इतना सुंदर है, मतलब मजा आ गया। धूप लग रही है तो और अच्छा लग रहा है। अभी आ गया बना के, पंखे में बैठते हैं और घर को जाते हैं इससे पहले बारिश आ जाए। वो तो मैंने संभाला बड़े ऐसी वो इधर ना गाड़ी पीछे ले। हाँ रपटने जैसा हुआ था ना। आप तो हीरो भैया, आप तो महा हीरो हो भैया। अब हम रुक गए रास्ते में, हमारे
कमर दर्द होने लगी है चलते, मतलब बैठे बैठे। तो हम यहाँ खाएंगे भुट्टा, फिर मैं मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। ये देखो ये रहा चमकता हुआ भुट्टा, और इतनी मिर्ची टेस्टी है, पर बहुत मिर्ची है। आगे भी जान लगी पता नहीं किस चीज का। हमारी हो गई थी गाड़ी पंक्चर, मम्मी के लिए हम जो लाए थे मम्मी खाने लग गई। डेढ़ किलोमीटर ऊपर नहीं थी मार्केट, हम वहाँ से निकल ही रहे थे। मैं थक गई, अब हम घर भी पहुँच गए और इतनी थकान लग चुकी है, अब खाना खाएंगे मस्त होएंगे। आज जिस काम के लिए हम गए थे वो काम तो हुआ नहीं, उसके लिए हम वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक स्पेलिंग की मिस्टेक से वो नहीं हो पाएगा, बोल रहे थे कि दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको पहले ठीक करा लो, उसके बाद वापस से पासपोर्ट का काम करवा लेना। अच्छा तो जो स्टार्टिंग में पता है दिक्कत है तो उसको सही करवा लेते हैं। अब अक्टूबर में उसका डेट है तो उसके बाद आना पड़ेगा। खैर ये तो हो गया है, चलो आज का दिन जैसा भी है कम से कम पता लग गया, अब हो जाएगा काम, इतनी जल्दी है नहीं पर ठीक हो जाएगा। और अब बस आराम करते हैं, अब मैं मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।